ध्यान दो, x पर लिखा है, सॉरी 5 पर x माइनस 2 लिखा है, गुणते 3 पर 2x माइनस 3 बराबर 135 लिखा है, और कह रहा है x का मान बताइए। ये दूसरा लेवल है, ठीक है। अब इसको हल करने जाओगे तो ध्यान देना, तुम्हारा ऐसे सवालों के लिए तुम्हें याद होगा कि 2 पावर x था, इधर यदि 4 लिख रहे थे तो जिधर ये जितने का आधार था उतना ही आधार इधर बना रहे थे, याद है कि नहीं? तो फिर यहाँ से तुलना कर देते थे, x बराबर 2 हो जाता था। उसी तरह पढ़ाए तो 3 पावर x हो जाएगा, मान लो इधर 27 हो जाएगा, तो 3 के पावर x बराबर ये 3 पर 3 घात कर देते थे, फिर कट के x बराबर कितना हो जाता? 3। तो उसी तरह यहाँ देखो 5 हो गया, x माइनस 2 हो गया, 3 हो गया, 2x माइनस 3 हो गया। इस प्रकार के सवालों को जब तुम लगाने जाओगे ना लड़के, तो तुम्हारा उद्देश्य रहेगा 135 का गुणनखंड करो, x माइनस 2 गुणते 3 पर हो जाएगा 2x माइनस 3, और 135 हो गया है, 135 तो कितने से जाएगा ये? 5। 5 से कट करा लो, पहले 135 का लौसा ही निकाल लो, तो 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? 5 ना इधर 5 से 35, और ये 3 से तो हो जाएगा, तो 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये 5 पर हो जाएगा x माइनस 2, और फिर ये 3 हो जाएगा 2x माइनस 3, और ये बाबू 3 पर 3 घात और 5 पर 1 घात। अब यहाँ पर तुलना करने जाओगे तो 5 वाले को 5 के साथ करोगे, 3 वाले को 3 के साथ, बहुत बढ़िया। x माइनस 3 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 पर 1 घात, 3 पर 3। अब लिखोगे की तुलना, सर x माइनस 3 कैसे लिखे है 5 पर? x माइनस 3 दिया था ना, अच्छा सॉरी सॉरी। अब यहाँ से 5 वाले से तुलना कर दोगे तो x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? भाई ये कट भी कट जाएगा, ये उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2, x बराबर हो जाएगा लड़के 3। उसी तरह तुम देखो इसे हल करो तो 2x माइनस 3 हो जाएगा और बराबर 3 हो जाएगा, यही ना होगा? यस सर। ऐसा ही लिखा हो, अंदर कर दोगे तो 2x बराबर 3 प्लस 3 ना, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 6 बटा में 2, x बराबर हो जाएगा 3। कट मत करना, हो गया? हाँ।